धूमचार से बाहर हुए अभिषेक और उदय, अक्षय के साथ टक्कर लेगा जय खान सुपरस्टार। नमस्कार, पिछले कई सालों से जसराज बैनर के तहत बनी धूम फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। बता दे, बीते कुछ दिनों पहले ही यह खबर थी कि जसराज फिल्म जल्दी ही अपने आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की घोषणा करेगी, लेकिन अभी तक दर्शकों को कोई खुशखबरी नहीं मिल पाई है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक जसराज बैनर धूम चार को बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म से उदय चोपड़ा और अभिषेक बच्चन को हटाने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, फिल्म में पुलिस ऑफिसर के किरदार में अक्षय कुमार को लेने की बात चल रही है। बता दे, अक्षय कुमार ने हाल ही में जसराज बैनर की ही फिल्म पृथ्वीराज की शूटिंग शुरू की है, जो अगले साल दिवाली पर रिलीज की जाएगी। अक्षय के अलावा फिल्म में विलेन के रोल के लिए शाहरुख खान से बात चल रही है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो पहली बार बड़े पर्दे पर खिलाड़ी और किंग खान आपस में टकराते नजर आएंगे। उम्मीद की जा रही है यह जोड़ी दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। यदि ये दोनों एक साथ नजर आते हैं तो निश्चित तौर पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है। आपको बता दें, हाल ही में शाहरुख खान और अक्षय कुमार को एक इवेंट में साथ में देखा गया था। इस दौरान शाहरुख अपनी पत्नी गौरी के साथ नजर आए थे। दोनों सुपरस्टारों के साथ में देखकर फैंस भी अंदाजा लगा रहे थे कि जल्द ही इन दोनों को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिल सकता है। शाहरुख खान ने साल 2019 में कोई भी फिल्म साइन नहीं की है। लगातार कई फ्लॉप की वजह से वह फिल्मों के चयन में सावधानी बरत रहे हैं। पिछली खबरों के मुताबिक राजकुमार हिरानी और इटली कुमार भी शाहरुख खान के साथ फिल्में बनाना चाहते हैं, लेकिन ये फिल्में अभी होल्ड पर हैं। अभी तक किसी की भी घोषणा नहीं की गई है।